गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास. स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास आई विल बी हेडिंग टूवर्ड्स यूनिट 21, दैट इज कंटिन्यूअस टेंस. एंड इन दिस चैप्टर आई विल एक्सप्लेन यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड द फॉर्मेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, इन दिस चैप्टर वी विल रिवाइज दीज टू टॉपिक्स. एंड इन टुडेज वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्रॉम द नेम इटसेल्फ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. Present means अभी, तुरंत, and continuous means the work that is still going on. So present continuous means the work or the action that is still going on. वैसा काम या वैसा action जो अभी current में right now at this moment वो अभी चल रहा है, वो अभी काम हो रहा है. That refers to present continuous tense, means the action that is परफॉर्म्ड एट द मोमेंट. वो वैसा एक्शन जो अभी कंटिन्यू है, वैसा काम जो हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट रेफर्स टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. वी यूज दिस टेंस टू टेल वॉट इज हैपनिंग नाउ. वी आर यूजिंग दिस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, टू टेल दैट वॉट इज हैपनिंग एट द मोमेंट. अभी हम लोग क्या काम कर रहे हैं. ओके चिल्ड्रन, वी यूज अब तो ये तो आप समझ गए कि व्हाट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू फ्रेम अ सेंटेंस. हम लोग कैसे सेंटेंस को फ्रेम करते हैं इन ऑर्डर टू शो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. कॉन्टिन्यूअस मीन्स आई एन जी. जहां भी कॉन्टिन्यूअस वर्ड रहे यू हैव टू यूज आई एन जी. लेकिन हम लोग सिर्फ आई एन जी यूज नहीं करते हैं, वी यूज द हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो. हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर. अलॉन्ग विद द हेल्पिंग वर्ब वी यूज आई एन जी. अब इज एम आर कहाँ कहाँ यूज करते हैं? वेयर डू वी यूज इज एम एंड आर? लिसन, इज यूज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स और सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउन्स. इज हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम, श्याम, ही, शी, इट, डॉग, कैट. सिंगुलर मतलब एक. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन और सब्जेक्ट, देन वी यूज इज. नाउ सेकेंड वन, आई. वी यूज आई विथ एम. हम लोग हमेशा आई को एम के साथ यूज करते हैं. एंड वी यूज आर विथ प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउन्स. कोई भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, दे, वी, बुक्स, बेंचेस, चेयर्स, इस टाइप का कुछ भी रहेगा प्लूरल, देन वी यूज आर विथ दैट नाउन और प्रोनाउन. तो आई थिंक इट इज क्लियर. That is used with singular subjects. For example, that is he, she, it, Ram, dog, child. Am with I. हम लोग I के साथ हमेशा am use करते हैं. And we use and with plural subjects. For that is we, you, they, Ram and Shyam, dogs, children. We use are. Plural मतलब एक से ज़्यादा. अगर एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ है तो उसके साथ हम लोग are use करते हैं. और हेल्पिंग वर्ब के साथ वी एड आई एन जी टू शो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग. स्टडी इज द वर्ब एंड इन ऑर्डर टू मेक इट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आई के साथ हम लोगों ने एम यूज किया एंड स्टडी का स्टडिंग हो गया. यू आर राइटिंग. शी इज डांसिंग. शी इज सिंगुलर, सो विथ सिंगुलर we use is. So she is dancing. Similarly, we can frame sentences using present continuous tense. Now let us look at the exercises. Filling the blanks with present continuous form of given verbs. Here 12 sentences are given and you have to fill in the blank using present continuous form of the verb. The verbs are given here in the bracket. First one, I dash my school bag. Carry is the word. So how you will write? I carrying my school bag? No. With this continuous, you have to use some helping verb. So what I told you with I, what we use? We use am. So I am carrying my school bag. Second, they dash the song. They plural hai. So hum log they ke saath kya use karenge? We will use are. So they are recording the song. Third, he dashed for a lift in my car. He, again it is singular, so he is asking for a lift in my car. Fourth, you dash up to the nearest bus stop. You are walking up to the nearest bus stop. She dashed the poem by heart. She is learning the poem by
हार्ट. एंड सिमिलरली यू कैन सॉल्व दिस एक्सरसाइज. आपको बस इज एम या आर लगाना है एंड आई एन जी वर्ब के साथ यू हैव टू यूज आई एन जी. नेक्स्ट चेंज द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड रीराइट देम. यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको उनके टेंस को चेंज करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है एंड यू हैव टू रीराइट द सेंटेंसेस. फर्स्ट वन, सम पीपल स्विम इन द रिवर. व्हाट इज द वर्ब? स्विम इज द वर्ब. स्विम, वन सेकेंड, स्विम इज द वर्ब. सो स्विम विल चेंज इन टू स्विमिंग एंड सम पीपल मतलब प्लूरल है एंड विथ प्लूरल वी यूज आर. सो सम पीपल आर स्विमिंग इन द रिवर. सेकेंड, शी वेयर्स हर फेवरेट ड्रेस. शी सिंगुलर है, शी के साथ क्या यूज करेंगे? इज. शी इज वेयरिंग हर फेवरेट ड्रेस. थर्ड, किड्स क्रॉस द रोड केयरफुली. किड्स आर क्रॉसिंग. आर क्यों आर लगाया है? क्योंकि यहाँ पे किड्स है और किड्स किड्स प्लूरल है तो किड्स आर क्रॉसिंग द रोड केयरफुली. फोर्थ, मदर प्रिपेयर्स लंच फॉर अस. मदर इज प्रिपेयरिंग लंच फॉर अस. सो सिमिलरली दिस वे यू कैन सॉल्व दिस एक्सरसाइज. यू जस्ट हैव टू राइट द हेल्पिंग वर्ब एंड एड ing टू द वर्ब. सो दिस वॉज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स द एक्शन दैट इज स्टिल गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट. द एक्शन दैट इज स्टिल गोइंग ऑन, वैसा काम वैसा एक्शन जो अभी भी चल रहा है, अभी प्रेजेंट में वो हो रहा है, दैट रेफर्स टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. थैंक यू.